मैं शेयर कर रही हूँ बहुत ही टेस्टी नमक पारा। और इसके लिए मैंने लिया 1 किलो मैदा, 180 ग्राम तेल, 30 ग्राम नमक, और यहाँ पे मैंने अजवाइन डाला है जिसे मैंने क्रश करके डाला है। सभी को बहुत अच्छे से मिक्स कर लेना है, और मिक्स करने के बाद मैं इसका आटा लगाऊंगी। यहाँ पे मैंने इसका आटा लगाने के लिए हल्का गुनगुना पानी का इस्तेमाल करा है। मठरियाँ चाहे आप जो भी बनाओ तो उसमें हल्का गुनगुना पानी से बहुत अच्छा आटा लगता है, और इसकी मठरियाँ भी बहुत टेस्टी बनती है। ऐसे ही मैंने ये आटा लगा के तैयार कर लिया है। उसके बाद मैं इसे 15 मिनट रेस्ट करने के लिए छोड़ दूँगी, और उसके बाद मैंने ली है एक लोई और मैं उसे बेल रही हूँ। और इस रोटी को मैं चारों तरफ से कट करके और चौकोर कर लूँगी, और जितनी बड़ी या छोटी आपको इसके पीसेस काटने हैं उसके आप आराम से काट सकते हो। इसके बाद मैंने ली है कढ़ाई। कढ़ाई में मैंने डाला है तेल, और तेल को मैंने गरम कर लिया है, और इन सभी पीसेस को मैं इसमें डालूंगी। यहाँ पे तेल काफ़ी गर्म हो चुकी है, इसलिए मैंने गैस की फ्लेम को लो कर दिया है, और सभी पीसेस को इसमें डाल के और अच्छे से उलट पुलट के और इसे चलाऊंगी। यहाँ पे हमेशा ध्यान रखना है कि जब भी आप मठरियाँ बनाओ तो गैस की फ्लेम को मीडियम रखनी है, और मीडियम फ्लेम पे इसे उलट पुलट के बहुत अच्छे से तलना है। इसे उलट पुलट के तलने से मठरियों पे बहुत अच्छा कलर आता है, और सभी मठरियाँ एक ही कलर के तल के रेडी होते हैं। आप देख सकते हो मैं इसे उलट पुलट के तल रही हूँ, इसकी वजह से सभी मठरियाँ एक जैसी दिख रही है, और मैं इसे गोल्डन ब्राउन होने तक तलूँगी। यहाँ पे मैं मठरियाँ मीडियम फ्लेम पे तल रही हूँ, लेकिन बीच बीच में मैंने 3-3, 4-4 मिनट पर और गैस की फ्लेम को तेज़ करा है, और 1 मिनट तेज़ रखने के बाद वापस मैंने इसे मीडियम पर कर लिया है। ऐसे करने से मठरियाँ बहुत अच्छी तलती है, और तेल में भी बहुत झाग नहीं होती है, और मठरियाँ भी बहुत अच्छी तल के तैयार हो जाती है। आप देख सकते हो मठरी काफ़ी ब्राउन हो चुकी है। अब मैं इस मठरी को बहुत अच्छे से झारे से छान के और बाहर निकाल लूँगी। ऐसे ही सभी मठरियों को मैं तल के और रेडी कर लूँगी। यहाँ पे आप जब भी मठरियाँ तलो तो झारे को थोड़ा छान के और फिर मठरियों को बाहर निकाल लो। ऐसे करने से इसमें तेल की क्वांटिटी बिल्कुल भी नहीं होती है, और बहुत अच्छे से मठरियाँ ड्राई हो जाती है। रेसिपी अच्छी लगे लाइक कमेंट शेयर करें, और अगर आप फेसबुक पे देख रहे हैं तो मेरे चैनल को फॉलो ज़रूर करें, और अगर आप यूट्यूब पे देख रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।